बनाने का तरीका बताते हैं यार तुम लोगों को। इसके लिए पहले आटा ले लो, और उसके बाद थोड़ा सा प्याज ले लेना, और थोड़ा ग्रीन चिली, चिली लाइक ऑलवेज स्वादानुसार। और चिली जो है तुम्हारा तीखा रहेगा तो कम लेना, अगर ज़्यादा कम तीखा है तो ज़्यादा डालना, अप टू यू है तुम्हारे स्वाद के अनुसार। और उसमें उसके बाद जैसे है ना, छोटा छोटा पीसेस कट करके आटा, नॉर्मल आटा जो होता है ना, उसमें डाल देना। और उसके बाद उसमें जो चिली का टुकड़ा डाल देना, ये नाश्ता के लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि बहुत इजीली और तुरंत बन जाता है। उसमें देखो मिर्ची डाल दिया, उसमें अजवाइन डाल रहे हैं थोड़ा सा, वही अब थोड़ा सा नमक डाल दो अपने स्वाद के अनुसार। जो ज़्यादा खाता है ज़्यादा डालेगा, कम खाता है कम डालेगा। और उसके बाद फिर जो है तुम पानी थोड़ा सा डाल के उसको मिला देना। पानी इतना डालना कि थोड़ा गीला रहे, अभी थोड़ा और पानी हमको लगता है कि डालना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा और पानी डाल दो उसमें, और थोड़ा लिक्विड रखना। बड़ा इजी है, बहुत इजीली बनता है, बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का, और बड़ा मस्त लगता है खाने में। उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल देना इसमें पैन में, ठीक है, चारों तरफ फैला करके डालना ताकि चिपके नहीं। उसके बाद फिर जो आटा का घोल जो बना है, पैन का तेल चारों तरफ मिक्स कर दिया, और उसके बाद जो आटा का घोल है उसको थोड़ा सा ऐसे डालो, डालने के बाद उसको फैला देना। बड़ा इजीली बनता है, हाथ से फैलाने का मन होगा हाथ से फैलाना, और छोलनी से फैलाने का मन होगा तो छोलनी से। इसको पकने देना थोड़ा देर तक, जब दोनों साइड लाल हो जाएगा तो फिर इसको उतार करके अचार, नींबू, नीमकी, चोखा, दही के साथ खाना। बड़ा मस्त ब्रेकफास्ट है, एकदम मज़ा से खाओ, बहुत जल्दी बनता है। और हमको लगता है कि तुम लोगों को यह रेसिपी ज़रूर पसंद, मस्त लगेगा यार, एकदम मस्त रहता है, एकदम खाओ ना एकदम करारा लगेगा। डिपेंड करता है अपने अपने टेस्ट के अनुसार, बट ये बहुत मस्त चीज़ है, और बड़ा सिंपली बनता है, एकदम इजी है बनाना, कोई बना सकता है। तुम चाहो तुम बनाओ।